फ्रेंड्स वेलकम इन कॉन्सेप्ट क्लास। सो आज हम सीखने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज टेम्परेट बायोम। नाउ टेम्परेट बायोम क्या होता है? इज लाइक अ फॉरेस्ट एंड वो किसके लिए फेमस है? उसके वास्ट एक्सपांसेस के लिए। एंड वहां पे थ्रू आउट द ईयर लिटिल रेनफॉल होती है लाइक 30 to 60 inches। एंड वहां पे रेनफॉल होती है तो वहां का एनवायरमेंट कैसा होता है? वेट एनवायरमेंट। एंड वहां के एनिमल्स कैसे होंगे? वाइल्ड एंड हर्बीवर्स एनिमल्स। हर्बीवर्स एनिमल्स दैट मीन्स वो ट्रीज एंड लीव्स को खाते हैं। नाउ टेम्परेट बायोम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? टेम्परेट बायोम ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, चाइना एंड रशिया जैसी जगहों पे होते हैं। टेम्परेट बायोम का नाम टेम्परेट क्यों रखा गया है? डू यू हैव एनी आइडिया? बिकॉज टेम्परेट बायोम का टेम्परेचर टेम्परेट होता है, एक्सट्रीम नहीं होता, इसलिए उसे टेम्परेट बायोम कहते हैं। एंड टेम्परेट बायोम में फोर सीजन्स होती है, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड फॉल सीजन। अभी आप मुझे बताओ कि आपको अगर टेम्परेट बायोम देखने जाना है तो आप कौन सी सीजन में जाओगे? आपको ऑटम या फॉल सीजन में जाना है, बिकॉज तब वहां पे क्या होता है, उसके ट्रीज के लीव्स जो होते हैं वो ग्लो करते हैं लाइक रेड, कॉपर, गोल्ड। सो वहां का जो सीनरी होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। एंड टेम्परेट बायोम का टेम्परेचर समर सीजन में 15 डिग्री सेल्सियस होता है एंड समर सीजन में 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होता है। एंड टेम्परेट बायोम इज द सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अभी हम सीखेंगे उसके प्लांट्स एंड वेजिटेशंस। सो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं एंड उसके लीव्स कैसे होते हैं? नॉर्मल पाइन नीडल्स के जैसे नहीं होते हैं। एंड एवरी ईयर वहां पे सीजन्स चेंज होती है, तो फॉल की सीजन में ट्रीज के लीव्स जाते हैं एंड स्प्रिंग के सीजन में न्यू प्लांट्स एंड न्यू फ्लावर्स ग्रो करते हैं। व्हेन जब समर सीजन आती है तभी उस ट्रीज के ब्रॉड लीव्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं एंड ट्रीज को फूड बनाने में हेल्प करते हैं। जब फॉल की सीजन आती है तभी टेम्परेचर कैसा होता है? कूल। सो उसके लीव्स कैसे हो जाते हैं? रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। जब विंटर सीजन आता है सो वहां पे क्या होता है, प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो प्लांट्स को वहां पे सर्वाइव करना इजी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? टेक अ डीप स्लीप। वो लंबे समय तक ग्रो नहीं करते हैं। व्हेन स्प्रिंग सीजन कम इज लाइक क्या होता है, वो सिग्नल के जैसा होता है कि लाइक अभी ट्रीज, प्लांट्स एंड न्यू फ्लावर्स ग्रो करेंगे। सो अभी हम सीखेंगे उसके एनिमल्स के बारे में। सो देर आर अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन दिस बायोम लाइक ब्लैक बेयर, लायंस, डियर, फॉक्स एंड वहां पे छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं लाइक स्क्विरल, रैबिट एंड अ नंबर ऑफ बर्ड्स। वहां पे बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं। अभी एनिमल्स वहां पे सर्वाइव कैसे करते हैं? कोल्ड सीजन में जब विंटर सीजन होती है तभी एनिमल्स क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट का मीनिंग होता है कि वो लंबे समय तक सो जाते हैं, टेक अ डीप स्लीप। और दे आर माइग्रेटिंग, वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। एंड जब स्प्रिंग सीजन आती है तो वापिस अपने घर पे आ जाते हैं। एंड विंटर सीजन में जो एक्टिव एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं लाइक रैबिट, स्क्विरल, डियर, फॉक्स एंड उसमें से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फॉल सीजन में फूड को स्टोरेज करते हैं एंड देन उसका यूज कब करते हैं? विंटर सीजन में। एंड ब्लैक बेयर जो होता है वो विंटर सीजन में भी सर्वाइव कर सकता है बिकॉज उसकी बॉडी पे हैवी लेयर ऑफ फर होता है एंड वो मोस्टली क्या कहता है, हाइबरनेट, टेक अ डीप स्लीप। एंड अभी हम सीखेंगे उसके पीपल्स एंड इफेक्ट्स के बारे में।